महासंघ पुण्यवान उपासक उपासनाएं ये तैयार की गई सभी पूजाएं हमारे शास्त्र भगवान बुद्ध जी को पूजा करने के लिए हमारे साथ श्रद्धा से हाजिर करके बोलिए। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयमपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयमपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयमपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयं के बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयं के धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयं के संघं शरणं गच्छामि इति पिसो भगवारहं सम्मा सम्बुद्धो निजाचरण संपन्नो सुगतो लोकविदो अनुत्तरो पुरिषदम्मसारथि सद्धरादेव मनुस्सानं बुद्धो भगवति स्वरखातो भगवता धम्मो संदिग्धिको अकालिको एहि पश्यिको ओपनयिको पच्चत्तं वेदितव्यो विन्यो हेति सुपटिपन्नो भगवतो सावकसंघो पुजुपटिपन्नो भगवतो सावकसंघो न्यायपटिपन्नो भगवतो सावकसंघो स्वामीचिपटिपन्नो भगवतो सावक यदिदं चत्तारि पुरिषयुगानि अठ पुरिषपुग्गला एष भगवतो सावकसंघो आहुनेयो पाहुनेयो दक्षिणेयो अञ्जलिकरणीयो अनुत्तरं पुण्यक्षेत्रं लोकस्यान्ति सहित ये सभी पूजाएं हमारे शास्त्र भगवान बुद्ध जी को हम पूजन करेंगे। घन सारपदितेन दीपेन तम धंसिना तिलोक दीपं संबुद्धं पूजयामि तमोनुदं सुगंधिकाय वदनं अनंत गुणगंधिना सुगंधिनां गंधेन पूजयामि तथागतं वर्णगंध गुणोपेतं एतं कुसुमसंततिं पूजयामि मुनिन्दस्य श्रीपाद सरोरुहे पूजयामि बुद्धं कुसुमेन मेन पुण्येन मेतेन लभामि मुक्तं पुप्पं मिलायाति यथा इदं मे कायो तथा याति विनाशभावं सुगंधं शीतलं कपं प्रसन्न मधुरं शुभं पानीयमेतं भगवान् पतिगन्हातुमुत्तमः।
अधिवासे तुनो भन्ते खीर पायासं परिकप्पितं अनुकंपं उपादाय पतिगन्हातु मुत्तम अधिवासे तुनो भन्ते सब्बं सद्धाय पूजितं अनुकंपं उपादाय पतिगन्हातु मुत्तम साधु साधु दो तीन उपवास प्रवचन के लिए तैयार हुए जो हमारे गरीब लोग हैं उस सभी लोग लाइन से एक साथ आना है एक एक करके नहीं सब लोग लाइन से आना है
सब दुख निसरण निर्वाण सच्चिकरण थाय एतं कासावन्धर्वः पब्बा एतमं भन्ते सब दुख निसरण निर्वाण सच्चिकरण थाय एतं कासावन्धत्वा पब्बा एतमं भन्ते अनुकंपं उपादाय द्वितीयमपि सब दुख निसरण निर्वाण सच्चिकरणाय एतं कासावन्धत्वा पब्बा एतमं भन्ते अनुकंपं उपादाय तृतीयमपि सब दुख निसरण निर्वाण सच्चिकरणाय एतं कासावन्धत्वा पब्बा एतमं भन्ते अनुकंपं उपादाय लोमा नखा दंता तचो तचो
पब्बजा दशशीलं धम्मं याचामि
अनुकंपत्व शीलं देतमेवन्ते अनुकंपानुपादाय तृतीयम्पि ओकाशं वन्ते तीसरणेन सद्धि पपञ्चादशशीलं धम्मं याचामि अनुकंपत्व शीलं देतमेवन्ते अनुकंपन उपादाय यमहं वदामि तं वदेथ मां वन्ते नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य 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 बुद्धं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयम् पि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि संघं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि संघं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि शरणागमनं सम्पूर्णम् पाणातिपाता वीरमणि सिक्खापदम् अदिन्नादाना वीरमणि सिक्खापदम् अब्रह्मचर्या वीरमणि सिक्खापदम् मुसावादा वीरमणि सिक्खापदम् सुरामेरय मज्जपमादट्ठाना वीरमणि सिक्खापदम् विकाल भोजना वीरमणि सिक्खापदम् नच्च गीतवादित विसूक दर्शना वीरमणि सिक्खापदम् माला गंधविलेपन धारण मंडन विभूषण अट्ठाना वीरमणि सिक्खापदम् उच्चासयन महासयना वीरमणि सिक्खापदम् जातरूप रजत पटिगहना वीरमणि सिक्खापदम्
इमानि पब्बज्जा दस सिक्खा पदानि समादियामि द्वितीयम्पि इमानि पब्बज्जा दस सिक्खा पदानि समादियामि तृतीयम्पि इमानि पब्बज्जा दस सिक्खा पदानि समादियामि तिसरणेन सद्धिं पब्बज्जा दस शीलं धम्मं साधुकं सुरक्षितं कत्वा अप्रमादेन संपादेथ मया कतं पुण्यं साविना अनुमोदितव्यं साधु साधु अनुमोदामि साविना कतं पुण्यं मह्यं दातव्यं साधु अनुमोदते साधु साधु अनुमोदामि ओकाश द्वारतेन गतं सर्वं अक्षयं कमदमे पन्ते सुखेवन्तु आचार्यो मे वन्दे पदरूपं साधुकाश संपदिच्छामि आचार्यो मे वन्दे पदरूपं साधुकाश संपदिच्छामि आचार्यो मे वन्दे पदरूपं साधुकाश संपदिच्छामि बस नमन करके एक मिनट बैठना है, आराम से बैठ गया, आराम से बैठ गया। जो छह सामनेर है, अभी सामनेर का गुरु जी कौन है? नहीं तो मुश्किल होगा। अभी नाम धर्म की नाम ग्रहण करना। अब से जो रोहन रोहन बोधी अनुपम ठाकुर, अब से अनुपम नरेंद्र मोक्ष मिश्रा, अब से इंद्रसार, आकाश अब से धम्मानंद और सोमनाथ अब से सोमवंश, मंगल अब से नाम याद रखा है। नाम क्या है? नाम नाम इंद्रसार, इंद पाल इंद इंद बोलता है सार पाल। नाम क्या है? ब्रह्मानंद नाम सोमवार सुमंगल हम अभी सब लोग हम सभी लोग नया श्रावण लोगों को आशीर्वाद करेंगे। कोई तकलीफ न हो, जो शील ग्रहण किया है उसी पालन करके श्रद्धा मन से और धर्म की व्यवस्था निकालने के लिए उन लोगों को बुद्ध रत्न की ओर से, धर्म रत्न की ओर से, संघ रत्न की ओर से हमेशा आशीर्वाद हो। भवतु सर्वमङ्गलं रक्खन्तु सर्वदेवता सर्वबुद्धानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते भव
भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वे देवता सर्वे धर्मानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वे देवता सर्वे संगानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते। जो नया सामने बनाए हैं आप लोगों को विशेष उपदेश हम पहले भी दिए हैं, अभी भी याद दिलवाते हैं। जो सामने जो है तो श्रवण जीवन के लिए, श्रवण जीवन का सफलता के लिए हम लोग बहुत चीज समर्पित करना चाहते, डेडिकेट करना चाहते। हम लोग गृह त्याग करके भगवान बुद्ध जो रास्ता बताया है उसी रास्ता में आने के लिए आज आप लोग पहले कदम उठाए, ये आखिरी कदम है, पहले कदम उठाए। जो अभी आप लोग मान लिए, आप लोगों को जो गाड़ी मिले है, ये गाड़ी का नाम क्या है? श्रवण। अब गाड़ी का नाम क्या है? श्रवण। लेकिन तीन चक्का का गाड़ी है, कितना चक्के है? तीन चक्का है। पहले चक्का क्या है? गुरु की आज्ञा मानना है, आज्ञा मानना, संघ की आज्ञा मानना पहले चक्का है। जो चक्का को कभी कभी पंचर होता है, किस लिए होता है? घमंड से। सो घमंड छोड़ना सबसे पहले काम है। घमंड छोड़ेगा तो आज्ञा मानता रहेगा, घमंड और आज्ञा मानना संसार नहीं रहता है। घमंड आ गया तो आज्ञा मानना छोड़ देते हैं, आज्ञा मानना आ गए तो घमंड छोड़ देते हैं। इसलिए पहले चक्का क्या है? आज्ञा मानना है। और नीचे है दो चक्के और दाएं चक्के है सहन करना। सहन करना भी मुश्किल है क्योंकि श्रवण जी नहीं तो देखिए इधर भी इधर उधर लोग देखते हैं, श्रवण है, बाबा लोग हैं, साधु संत है, हम लोग उनका मन में जो जो नेचर है सहन नहीं करता, जल्दी जल्दी गुस्सा होता है, नहीं तो जल्दी जल्दी कुछ करता है। लेकिन सहन करना सबसे उत्तम है, इसलिए दोताएं चक्का और मजबूत होना चाहिए। किस काम के लिए? सहनशीलता के लिए। सहन करना बहुत उपकार होता है। और विदेश में, अमेरिका में एक आर्मी ऑफिसर था, उन्होंने भिक्षु बनाने के लिए थाईलैंड गए। जो थाईलैंड में जो एक बिहार में गया है हजान साहब बिहार में, उधर एक बंदे को भी इंग्लिश आती नहीं है। जो गए हैं अमेरिका वाला उनको थाई भाषा आता नहीं है। और गुरुबंद ने कहा कि तुमको भिक्षु बनाना चाहता है तो सबसे पहले थाई भाषा सीख जाओ। उन्होंने विनम्रता पूर्वक ताई भाषा सीखना शुरू किया, विनम्रता पूर्वक। वो ही पहले कदम, वो नहीं बताया, नहीं नहीं हमको नहीं आता है, हम वापस जाना है, ऐसा ऐसा मूर्ख बात नहीं बताया।
तो बता दीजिए हम ताज भाषा सीख जाएंगे। बहुत मेहनत करके अंग्रेजी वाला ताज भाषा सीख गया। ताज भाषा सीखने के बाद बता तुम इधर सारा काम करना चाहिए, टॉयलेट साफ करना चाहिए और बांधे लोगों का जो चीवर धोना चाहिए, झाड़ू लगाना चाहिए, सब करवा दे। अमेरिकन आर्मी ऑफिसर बांधे बनाने के लिए थाईलैंड गया, सब करवा दिया। उसके बाद गुरुजी ने कहा कि अभी तुम तैयारी है श्रवण जीवन के लिए, अभी तुम ठीक है। श्रवण बना के उनको नाम बताया सुमेधो, सुमेधो करके नाम बता लगा दिया। उसके बाद वो धीरे धीरे श्रवण जीवन में सामने बन चुकी है। उसके बाद तो संपदा हो गए, उसके बाद तो स्थिर बन गए। स्थिर बनने के बाद बोलता है अजान सुमेधो। उसके बाद अजान छा ने कहा सुमेध बांते को कहा कि अभी तुम वापस जाना है यूरोप में, यूरोप में जाके तुम अपना विहार खोलना है। वो बताया जी गुरु बांते, लेकिन वो जानता नहीं कहाँ जाना, किधर जाना, क्या करना, कुछ पता नहीं, लेकिन गुरु की आज्ञा था। वो है गुरु की सेवा करना जो मानता है आज्ञा। उसके बाद उन्होंने इंग्लैंड गए। इंग्लैंड जाने के बाद उनका दोस्त कोई जगह जो घर पे रहता था उसके नाम करके बहुत बड़ा मोनास्ट्री बनाया। उन्होंने अभी 85 ईयर्स ओल्ड है, उससे ज़्यादा भी ओल्ड हो सकता है। उसके उनके पास आए हैं BBC रिपोर्टर, आकर पहुँचे हैं आप जितना साल 45 साल चेयर पहन के आप भिक्षु रूप में रहते हैं, आप इसी धर्म से कुछ मिले हैं क्या, आपको कुछ मिले हैं क्या? पता है जी जी हमको बहुत मिले हैं। क्या है आपको जो मिले हैं? हमको मिले हैं सहनशीली बनाने का, सहन करने का क्षमता मिली है, मुझे काफी है। देखिए नम्रता, नम्रता कैसे है भिक्षु का, घमंड बात कुछ उसमें है क्या? वो है भिक्षु, वो नहीं पता है हम ऐसे ऐसे हैं, हम ज्ञानी हो गया है, हम इतना स्वीर किए हैं, हम ऐसे ऐसे किए हैं, हम यू पालन करता है, वो पालन करता है, हमारा इतना सेंटर है, कुछ नहीं पता है। वो क्या पता है? पता है हम सहनशीलता बढ़ाने के लिए हमको क्षमता मिला, अभी हम सहन करते हैं। वो है ज्ञान की बात। इसका मतलब क्या है? उनके पास कुछ है? इसीलिए जो सहन करना बहुत उपयोगी उपकार की चक्का है श्रवण गाड़ी में, और बाएं गाड़ी बाएं चक्का है अपने से कुछ निर्णय नहीं लेती है, खुद से निर्णय नहीं लेती है, जो संघ निर्णय लेती है उनके अनुसार, संघ के अनुसार और शिष्यगण काम करता है। धीरे धीरे उन लोग प्रचार कर, अभी जो पहले कदम उठा है बुद्ध शास्त्र में, अभी सामने मतलब बच्चा है, अभी जन्म लिए है, अभी जन्म लिए है, समय लगेगा। देखिए बच्चा को जो जन्म लेते हैं उसके बाद मम्मी पापा पालन पोषण करते हैं, उसके बाद नर्सरी लेके जाते हैं, उसके बाद स्कूल लेके जाते हैं, धीरे धीरे हाई स्कूल तक लेके जाते हैं। कई कई बच्चा लोग हैं मम्मी पापा का डिमांड नहीं है और मोबाइल लेकर उसमें फंस जाते हैं, स्मार्टफोन लेकर उसमें फंस जाते हैं, नहीं तो गलत रास्ता भी चला जाता है।
उसको बड़ा नौकरी कभी नहीं मिलेगी, मालूम नहीं वो कैसे रिच होगी। वो मम्मी पापा जो आज्ञा देता है उसके अनुसार चलती चलती ग्रेजुएशन तक जाएगा, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन भी करेगा, पीएचडी भी करेगा, उसके बाद और कुछ कुछ करेगा, आगे जाएगा, जीवन का लौकिक जीवन सफलता करेगा। आध्यात्मिक जीवन के लिए भी ऐसे है, धीरे 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 जाना है। खरगोश जैसा नहीं करता यार, ठीक है अभी समय बन गए अभी सब कुछ कर सकते हैं करके इधर उधर कूदते नहीं है। जो खरगोश का काम, कछुआ का काम करता है, धीरे 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 जाता है, वही है सिस्टम। ऐसे करेगा तो आप लोग याद दिलाना है, श्रमण जीवन एक तरह की छोटा सा थ्री व्हीलर है, बीएमडब्ल्यू नहीं है, बेंज नहीं है, छोटा सा क्या है, थ्री व्हीलर है। मैं भी छोटा सा थ्री व्हीलर हूँ और आप लोग भी छोटा सा अलग अलग जीवन है, थ्री व्हीलर है। और गृहस्थ लोग छोटा बाइक है, मालूम नहीं किधर 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 उधर सट जाएगा। ये छोटा थ्री व्हीलर जैसा है, मैं भी छोटा थ्री व्हीलर हूँ, चक्का तो थोड़ा चलते हैं। ऐसा आप लोग भी मनन करना चाहिए। भिक्षु जीवन के लिए बहुत खतरा है घमंड, अहंकार, और खतरा है और ज्ञान बढ़ने से जो हमको सब मालूम है ऐसे करके चला जाए तो इसका मतलब है पेड़ में फल भी नहीं है, फूल भी नहीं है। पेड़ में फूल नहीं है तो फल नहीं है, तो पेड़ सीधा है। पेड़ में फल है तो दिखता है, पेड़ का खाने को कैसा होता है, ऐसे होता है। इसका मतलब क्या है, फल है। इसीलिए आप लोग जो श्रमण जीवन लिए हैं, जो रास्ता बहुत लंबी रास्ता है, मालूम नहीं आप लोगों को कितना बार जन्म लेना चाहिए मुक्ति के लिए, लंबी रास्ता है। भगवान बुद्ध के समय लंबी रास्ता नहीं था, बहुत लोगों को छोटा रास्ता था। उसी जीवन में मुक्ति साक्षात करने का समर्था भी थी और भगवान बुद्ध बहुत मदद किए हैं। अभी भगवान बुद्ध जी परिनिर्वाण होकर हजारों साल बीत गए हैं, अभी नई दुनिया है, नए विचार है। इसीलिए इसके बीच में हम लोग प्रयास करना पड़ता है। इसलिए अब से आप लोग जो मदद करेगा बनते लोग हैं, इधर रस बनते हैं और शांत चित्त बनती है और गुणानंद बनते हैं, बनते लोग आप लोगों को मदद करेगा। और इधर श्रावण रूप में 2-3 साल रहेगा, उसके बाद हम पहुँचते हैं लंका से गुणानंद को रिपोर्ट दे दो जो गाड़ी कैसा है, जो नया गाड़ी आए हैं चालू है, नहीं तो गाड़ी खराब हो गया, क्या हुआ है गाड़ी को। उसके बाद इधर से रिपोर्ट जाएगा लंका को, बनते जी गाड़ी अभी ठीक है, बढ़िया है और दूसरा देश जा सकता है, आपके पास भी भेजवा सकता है और गाड़ी चेंज कर सकता है बड़ा गाड़ी के लिए, वो है उपसंपदा। तो बड़ा कुर्सी मिलेगा गाड़ी के अंदर, तुला जो लग्जरी कुर्सी,
इसके बाद हम बता देंगे गुणानंद को ठीक ही 500 प्रणाम। उसके बाद उधर जाने के बाद ट्रायल है, गाड़ी कैसा है, ट्रायल के लिए और समय लगेगा, उसके बाद पास होगा, पास होने के बाद तो संपना मिलेगा, उसके बाद फिर स्टडी करना है और धर्म में मन लगा के रहना है। क्या है करना? गुरु की आज्ञा मानना है, सहन करना है, खुद से निर्णय नहीं लेना है, चक्कर मजबूत चाहिए। उसके बाद धीरे धीरे 4, 5, 8, 10 साल लगेगा, उसके बाद गुरु जी बता देगा तो ठीक है अभी तुम लंका में इधर उधर आश्रम है उधर जाओ, जी गुरु जी जा, जी बनते जाएंगे तैयार हो जाए और इधर आओ, जी आएंगे उधर जाओ वापस, जी जाएंगे, गाड़ी तैयार। उसके बाद पता देगा ठीक है तुम अभी इंडिया जाओ, जी जाएंगे, गाड़ी तैयार। गाड़ी छक्का इधर उधर हो गए तो क्या बोलेगा? नहीं बात देखिए हम वापस जाएंगे, हमको नहीं आता है, हमको चाहिए एकांत में रहना, हमको चाहिए वो रहना, हम वो रहना, इसका मतलब क्या है? छक्का पंचर हो गया, वापस चला जाता है। जो गुरु जी का भीतर में जो प्यार है वो प्यार उस पर स्पर्श नहीं होता है, जो शरीर से नहीं होता है वो जो होता है धर्म से। इसलिए काम मुश्किल है। जो पुण्य दो तरह के हैं, एक है ज्ञान की पुण्य, दूसरा है खान पान रहन सहन का पुण्य। पिछले जन्म में दान दे दिया तो रहने का जगह मिलेगा, भोजन मिलेगा, शिविर मिलेगा, सुविधाएं मिलेगी, और ज्ञान की पुण्य पता कमा लिया तो ज्ञान का पुण्य पास में आए तो छक्का तैयार करेगा मजबूत, वो तो ज्ञान की बात है। उसके बाद धीरे धीरे अंदर श्रद्धा और क्षमता और ज्ञान और सही विचार, सम्यक दृष्टि इत्यादि धर्म के गुण मन में धीरे धीरे आएगा। वो तो ज्ञान की पुण्यता है, दो तरह की पुण्यता है। इसलिए हमको मालूम नहीं है, मुझे मालूम नहीं है आप लोग मेरे पास है या नहीं, समय पर आप लोग खुद दिखा दीजिए हमारे पास ये है वो है क्या। इसीलिए हम लोग आशीर्वाद करते हैं आप लोगों को, आप लोगों को धर्म के रास्ता में जाने के लिए हम भी हमारा तरफ से योगदान देते हैं, आप लोग खुद के तरफ से आप लोगों का जीवन सफलता के लिए योगदान दीजिए। और हम लोग आशीर्वाद करते हैं भगवान बुद्ध का इसी दुग्ध शासन में आप लोग जो पहले कदम लिए हैं, अभी जो बच्चा है श्रवण जीवन में, आप लोगों को भविष्य मंगल हो, कल्याण हो। आप सभी लोग अभी सोच लिए आपका हाथ से अभी अपने प्रिय पूजा करने वाले हैं, ऐसे आप लोग जोर से साधु बताए 3 बार साधु, अभी नमो तस् बताए नमो तस् बने को, कठिन चीवरा बिक संघर्ष देव, इमं कठिन चीवरा
संगस दिल बंती जी बहुत श्रद्धा से तैयार की गए इसी कठिन चीवर भगवान बुद्ध के आर्य महासंघ के लिए पूजा करते हैं दान देते हैं साधु 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 साधु।